तो ये देखिए सूजी का कितना बढ़िया ढोकला बन करके रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं अंदर से भी ढोकले का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है, बहुत नाइस है, बहुत स्पॉन्जी है। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको मेरी ये ढोकला की रेसिपी कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को बेसन का ढोकला बहुत पसंद आया, तो आज मैं आपके साथ सूजी के ढोकले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर सभी मेजरमेंट 250 ml के कप से लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप सूजी, 3/4 कप दही, जितनी सूजी है उसका आधा दही लिया है, और साथ ही हमने ली है इनो। आज हम इनो से ढोकला बनाएंगे। तड़के के लिए हमने लिया है 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 छोटा चम्मच सरसों या राई, 1 बड़ा चम्मच चीनी। कई लोग यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं करते, पर ये ढोकला है, इडली नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें, तो इसलिए चीनी ज़रूरी है। इसका टेस्ट इसी से अच्छा आता है। और दही भी यहाँ पर मैंने थोड़ी खट्टी ली है। अगर आपकी दही मीठी है तो आप 1 नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं इस ढोकले में। 1 छोटा चम्मच नमक, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है 1 बड़ा चम्मच, और तड़का लगाने के लिए ली है हमने बीच में से चीरा लगी हुई हरी मिर्च, और इस तरह से 1 टहनी ली है मैंने करी पत्ते की तड़के के लिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है पानी ढोकले का बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। और मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में ढोकला बनाऊंगी। तो प्रेशर कुकर में ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसकी ये विसल जो है निकाल दी है इससे, और यहाँ पर रबड़ लगा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखें। और आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि ढोकला प्रेशर कुकर में बनाते हुए अच्छा नहीं बना, ऊपर से ढोकला गीला हो गया। तो अगर आपका ढोकला गीला हो जाता है स्टीम के कारण, तो आप हाई फ्लेम पर बनाएं इसे, क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर आप बनाएंगे तो स्टीम जो है वो सीधी विसल से बाहर निकल जाती है, जिसके कारण स्टीम ढोकले पर नहीं गिरेगी और ढोकला अच्छा बनेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, मीडियम फ्लेम पर बनाना चाहते हैं, तो जो ढोकले का बर्तन है उसको ऊपर से कवर कर दें फॉयल पेपर से, उससे भी पानी अंदर नहीं गिरेगा और ढोकला अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैंने वीट सूजी का यूज़ किया है, ये वीट से बनी हुई सूजी है। यहाँ पर मैंने राइस रवा नहीं लिया है। और दूसरा आप देख सकते हैं आइडियल फॉर उपमा डोसा एंड हलवा, तो ये वही है जिससे हम हलवा उपमा और डोसा बनाते हैं। तो आइए अब हम ढोकला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ढोकले का बैटर बना लेंगे। 1.5 कप हमने रवा लिया है और इसमें हम 3/4 कप दही डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो 1/4 कप पानी और डाल देंगे, क्योंकि बैटर जो है वो अभी काफ़ी गाढ़ा है, रखने पर और ज़्यादा थिक हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर में लम्प्स नहीं होने चाहिए, कुछ इस तरह का है हमारा बैटर अभी। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी भी मेल्ट हो जाए। अगर आप इनो यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, तब तक हम पैन ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर इस तरह के केक टिन में ढोकला बना रही हूँ, तो मैं इसमें हल्का सा ऑयल डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लूंगी। तो हमने पैन ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कोई पैन नहीं है तो आप स्टील के कटोरे में या जो चपाती रखने वाला डिब्बा होता है स्टील का, उसमें भी ढोकला बना सकते हैं। तो अब हम स्टीमर रेडी कर लेंगे यानी कि प्रेशर कुकर रेडी कर लेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले गैस चला लेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। हमें इतना पानी डालना है कि वो बर्तन को टच ना करे। अब हम इस पर रखेंगे ये स्टैंड। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई पतीला रखने वाला स्टैंड रख सकते हैं, और इसको हम बंद कर देंगे ताकि इसमें स्टीम रेडी होने लगे। तो जब तक स्टीमर रेडी हो रहा है हम तब तक ढोकले का बैटर देख लेंगे। तो ढोकले के बैटर को रेस्ट करते हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। तो अभी तक हमने इसमें 3/4 कप पानी डाला था, तो ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा पानी 1/4 कप के करीब और डाल देंगे। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ढोकले को सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे।
ढोकले का बैटर बिल्कुल रेडी है, स्टीमर भी रेडी है। जब दोनों चीजें रेडी हो तब हम इसमें डालेंगे इनो। ये देखिए एक पैकेट इनो डाल रही हूँ मैं इसमें। ये लगभग एक टीस्पून इनो है और इस पर हम लगभग एक चम्मच के करीब पानी डालेंगे और पानी डालते ही हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि ढोकले के बैटर में अच्छे से हवा भर जाए। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से एयर बबल्स है, तो इस तरह का बैटर होना चाहिए। अब हम इसे तुरंत पैन में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए बैटर काफी लाइट है, आप बीच में एयर बबल्स देख पाएंगे। देखिए हमने इसमें सारा बैटर डाल दिया है। मैं इस पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी कलर के लिए, जिससे ढोकले पर अच्छा सा कलर दिखाई देगा। इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसे प्रेशर कुकर में स्टीम होने के लिए रख देंगे और इसको 20 मिनट के लिए इसी तरह से स्टीम होने देंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, शुरू के 10 मिनट बिल्कुल हाई फ्लेम पर, और उसके बाद हम एक बार पानी चेक कर लेंगे। इसे देख सकते हैं किस तरह से स्टीम निकल रही है, क्योंकि मैं इसे हाई फ्लेम पर बना रही हूँ। ऐसे 10 मिनट हो चुके हैं, तो 10 मिनट बाद हम इसका जो पानी है वो चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर प्रेशर कुकर सूख जाएगा तो वो सेफ नहीं है। तो इसलिए हम गैस बंद कर देंगे एक मिनट के लिए ताकि स्टीम बिल्कुल निकल जाए। और ये देखिए हम इसमें से पानी चेक कर लेंगे। आई थिंक आप देख सकते हैं कि इसमें पानी काफ़ी कम हो गया है। और अब हम इसमें दोबारा से एक कप पानी डाल देंगे और गैस ऑन कर देंगे। आप पतीले या कढ़ाई में भी बना सकते हैं ढोकला जो है, तो मैं इसमें साइड से पानी डाल दूंगी। ये देखिए वैसे तो ये क्लीन है, बट अभी थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर है। हम इसे 5 मिनट के लिए और इसी तरह से रख देंगे, तो 15 मिनट में ये ढोकला बन करके रेडी हो जाएगा। तो इसे दोबारा से बंद कर दूंगी 5 मिनट के लिए। तो इसे फिर से मैं हाई फ्लेम पर 5 मिनट्स के लिए कुक होने दूंगी। अब इसे कुल 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम गैस बंद कर देंगे और कुकर में इसे स्टीम निकलने देंगे। और जैसे ही इसमें स्टीम निकल जाएगी हम इसको खोल लेंगे। ये देखिए ढोकला बिल्कुल ठीक बना है और इसमें प्रेशर कुकर के अंदर भी स्टीम नहीं है, बिल्कुल हल्का सा पानी है, वो भी इसलिए क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में बनाया है। तो ढोकला बन चुका है और बहुत ही परफेक्ट बना है। हम इसको एक बार चेक कर लेंगे, नाइफ लेंगे और इसको सेंटर से इस तरह से देख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है नाइफ, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से पक चुका है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ढोकला बना है और ये 10 मिनट में ठंडा हो चुका है। ये सेंटर से भी बिल्कुल गीला नहीं है, बिल्कुल सूखा है, आप देख सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में भी ढोकला बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे पैन से। उसके लिए मैं यहाँ पर इसको पहले हल्का सा इसकी साइड को छुड़ा लूँगी। अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लूँगी, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए ढोकले का टेक्सचर आप ये देख सकते हैं कितना मॉइस्ट है और कितना फ्लफी है। तो अब हम इसे पलट लेंगे। सुपर अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया ढोकला बनकर के रेडी हुआ है। तो तड़का लगाने से पहले मैं इसके पीसेस कट कर लूंगी। सूजी का ढोकला कितना फ्लफी और मॉइस्ट है आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह का ढोकला बनकर के रेडी हुआ है। तो अब हम इसको तड़का लगा लेंगे। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन लिया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा हम इसमें ये सरसों डाल देंगे, गैस बंद कर देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये जीरा लगी हुई हरी मिर्च और करी पत्ता और इसको हल्का सा कवर कर देंगे ताकि स्प्लटर ना हो। तो तड़का भी रेडी है, अब हम इसे ढोकले पर डाल देंगे। गरम गरम ही डालेंगे ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से ढोकले के अंदर तक चले जाएं। तो ये देखिए रेडी है हमारा ढोकला और ये बहुत ही यमी और बहुत ही अमेजिंग बना है। अंदर से भी ढोकले का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है, बहुत नाइस है, बहुत स्पॉन्जी है। आई होप आपको ये हेल्दी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय द रेसिपीज़ और अपनी खाना मनपसंद की फैमिली को 1M तक पहुंचने में हेल्प करें। थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय द रेसिपी, बाय।